फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिना और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में। आज हम बनाएंगे ये ब्रेडेड ब्रेड, यानी कि जो हम गूंथ कर चोटी बनाते हैं ना, उस टाइप की ब्रेडेड ब्रेड जिसमें हमने न्यूटेला स्टफ किया है। चलो ये सिंपल सी रेसिपी बनाते हैं और कुछ नया नया अपने घर वालों को बना के खिलाते हैं। यहाँ मैंने इसके लिए लिया है थोड़ा सा मैदा, यानी कि 1 कप जितना मैदा। उसमें हम थोड़ा सा नमक और उसी के साथ साथ थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स की मात्रा आपको ऊपर लिखी हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में नमक यानी कि मैदे में नमक डालने के बाद उसको एक बार अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आटा अच्छे से मिक्स कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हम इसमें डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल रही हूँ, आप चाहें तो अलग से इसको फर्मेंट करके भी डाल सकते हैं। और ईस्ट डालने के बाद हम फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने नमक पहले डाल के इसलिए मिक्स किया है ताकि अगर ईस्ट के साथ नमक मिल गया पहले तो फिर ईस्ट हमारी जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो नमक डाल के पहले मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें ईस्ट डालिएगा। और अब हम गुनगुने गर्म पानी से इस आटे को लगा लेंगे। पानी ध्यान रखना है कि गुनगुना गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म पानी होगा तो हमारा जो ईस्ट है वो मर जाएगा, और अगर ठंडा पानी होगा तो ईस्ट जो है वो फूलेगा ही नहीं, यानी कि एक्टिवेट ही नहीं होगा। अब अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जो क्वांटिटी मैंने दी है यानी कि 110 ml जितना पानी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए एक अच्छा सा आटा लगा लेंगे। इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथते रहना है। और जब हमारा सारा आटा इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए, या फिर अगर बटर है तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे और भी टेस्टी ब्रेड बनती है। और फिर हम इसको और एक बार 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेंगे, या जब तक गूंथेंगे तब तक इसमें जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से इस आटे के साथ मिक्स नहीं हो जाता। आपको अच्छे से प्रेशर देते हुए आटे को गूंदना है ताकि जो हमारा ग्लूटेन है वो भी इसमें एक्टिवेट हो जाए और हमारा जो ब्रेड है वो काफी फ्लफी फ्लफी बने। दो से तीन मिनट के बाद हमारा जो आटा है वो देखिए अच्छे से इकट्ठा हो चुका है और गूंद के तैयार है। अब हम इसी बोल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देंगे ताकि ये जो बोल है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए, और फिर इसी बोल के अंदर हम हमारा जो तैयार किया हुआ आटा है वो रख देंगे और उसे ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 1 घंटे के बाद हमारा जो आटा है वो फूल कर डबल हो चुका है साइज में। टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपके वहाँ के टेम्परेचर पे। आपको बस ध्यान रखना है कि आटा जो है वो फूल के डबल हो जाना चाहिए। अब हम इसे एक बार अच्छे से पंच कर लेंगे और 1 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। अब एक फ्लैट सरफेस लेके हम उस पर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने एक चॉपिंग बोर्ड लिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट अपने स्लैब पर भी सूखा मैदा डस्ट करके इसको गूंथ सकते हैं। अब इस सूखे मैदे पे हम हमारा गूंधा हुआ आटा निकाल लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि जो है वो आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस टाइम पे हमें इस तरह हथेली का प्रेशर देते हुए आटे को गूंथना है।
इस प्रोसेस से हमारा जो आटे में ग्लूटेन है वो एक्टिवेट होता है और हमारी जो ब्रेड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी सॉफ्ट बनती है। अब मैं आटा हटा के पहले थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लूँगी और फिर हम इसे एक बेलन की सहायता से रोल आउट कर लेंगे। हमें इसे एक रेक्टेंगुलर शेप में रोल कर लेना है। आपको अगर ज़रूरत लगे कि अगर आपका आटा नीचे चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा मैदा और ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। देखिए, मैंने इसे एक रेक्टेंगुलर शेप में बेल लिया है और फिर अब मैं इसको अच्छे से एक बार दबा के इवन कर लूँगी और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे न्यूटेला, जो कि हम सबका फेवरेट है। अगर आपके पास न्यूटेला नहीं है तो आप इस टाइम पे चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप कोई भी कुकिंग चॉकलेट को थोड़ा सा बटर डाल के डबल बॉयलर पे या माइक्रोवेव में मेल्ट कर लीजिएगा और फिर उसको इसके अंदर इस तरह से स्प्रेड कर लीजिएगा। हमें ध्यान रखना है कि जो इसकी साइड्स है, यानी कि जो चारों कोने हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हमें इसे छोड़ देना है गैप को, यानी कि पूरी तरह से इसको नहीं स्प्रेड करना है। देखिए, हमने थोड़े थोड़े से जो साइड्स हैं वो छोड़ दिए हैं। एक बार न्यूटेला अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे और एक लॉग का शेप दे देंगे। आप इसे बहुत ही टाइट रोल कीजिएगा, एकदम ढीला ढीला रोल मत कीजिएगा। इस प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो फिर रोल हमारा ढीला हो जाएगा। अब हमारा जो लॉग है वो अच्छे से बनके तैयार हो चुका है, तो अब हम एक शार्प नाइफ की सहायता से इसे बीच से कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने इसे बीचों बीच कट कर लिया है। एक बार अच्छे से कट होने के बाद जो कट किया हुआ पोर्शन है उसे हम इस तरह से फ्लिप कर लेंगे और ऊपर की तरफ ले आएंगे। देखिए, दोनों साइड्स को हम इस तरह से फ्लिप करके ऊपर की तरफ ले आएंगे, जहां की हमारे चॉकलेट हमें विजिबल हो, यानी कि दिखे, उस तरह से हम इसे फ्लिप कर लेंगे और फिर हम इसको गूंथना शुरू करेंगे। इसका ऊपर वाला हिस्सा हम इस तरह से चिपका लेंगे और फिर इसको इस तरह से गूंथ लेंगे। एक के ऊपर एक हमें इस तरह से इसे गूंथते जाना है और हमारा जो ब्रेडेड ब्रेड है वो तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसे इसी तरह से आपकी बेकिंग ट्रे पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड टिन लिया है और उसको अच्छे से ग्रीस करके उसमें इस ब्रेडेड ब्रेड को डाल दिया है। इसको अच्छे से हम ब्रेड टिन पे सेट कर लेंगे और फिर इस टिन को हम एक क्लिंग रैप से रैप कर लेंगे, यानी कि ढक लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लिंग रैप की वजह से इसके अंदर एयर नहीं जाती, तो ये अच्छे से डबल होने में इजी रहता है, सहायता मिलती है इसको। इस तरह इसे क्लिंग रैप में अच्छे से रैप करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए फिर से गर्म जगह पे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, आधे घंटे बाद ये ब्रेड हमारी फूल के कितनी सुंदर तैयार हो चुकी है। इसे अब हम थोड़ा सा साइड साइड से बटर से ब्रश कर लेंगे
जहाँ जहाँ पे चॉकलेट नहीं दिख रही उस एरिया में आप इसे बटर से अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा और 200 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए इसे हम एक प्री हीटेड ओवन में बेक कर लेंगे। हमारी चॉकलेट ब्रेडेड ब्रेड बनके तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ब्रेडेड ब्रेड और देखिए परफेक्टली बेक होके तैयार हो चुकी है। मैं आपको एक स्लाइस करके दिखाती हूँ। आप एक शार्प नाइफ की सहायता से इसे अच्छे से स्लाइस कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है हमारी ब्रेड का और वो खाने में उतना ही यमी लगेगा क्योंकि इसके अंदर चॉकलेट है जो ऑलमोस्ट हर किसी की फेवरेट होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।